प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है टीकमगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख भवन जैन, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। बुंदेलखंड की महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। फिल्म पैडमैन की तर्ज पर जिले की महिलाएं स्वच्छता और स्वरोजगार पर काम कर रही हैं। सैनिटरी नैपकिन बनाने का व्यवसाय कर महिलाएं इन्हें सस्ते दामों पर बेच रही हैं और स्वच्छता से रहने का संदेश भी दे रही हैं। सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से महिलाएं रोगाणु मुक्त हुई हैं। इसकी पैकिंग करने के काम में जुड़ी महिलाओं को अब घर में ही अच्छा रोजगार मिल रहा है। जिला मुख्यालय पर करीब 1 करोड़ की लागत से निर्मित जिला कार्यालय का प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने लोकार्पण किया। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को जिले में शिविर लगाकर आवश्यक उपकरण भी वितरित किए। टीकमगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प महिला एवं बाल विकास विभाग ने लिया है। इसके लिए जिले में CSAM अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी स्तर पर जागरूकता रैली निकालकर माताओं को बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में 21 नए बाल शिक्षा केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें विकासखंड अनुसार टीकमगढ़ और बलदेवगढ़ में 5-5 केंद्र, पलेरा में 4 और जतारा में 7 केंद्र खोले जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर खान पान के अलावा खेल कूद कर शिक्षा की गतिविधियों से जुड़े। इसी उद्देश्य से प्ले स्कूल की तरह एक्टिव आंगनबाड़ी केंद्रों का सिलेक्शन कर उनका विस्तार किया गया है। इस साल के पहले नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालयों में किया गया। इसके लिए 9 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों में 435 प्रकरणों का निराकरण किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के अलर्ट को देखते हुए टीकमगढ़ जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक रूम तैयार कर दिया गया है। साथ ही एक MD मेडिसिन डॉक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वार्ड में दवाएं और आवश्यक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल जिले में ऐसा कोई भी संभावित मरीज नहीं है, फिर भी अस्पताल प्रशासन ने अलर्ट को देखते हुए ये व्यवस्थाएं की है। जिले में बोर्ड परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए सभी शिक्षकों का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। 14 फरवरी से 30 अप्रैल तक आकस्मिक अवकाश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने पर ही मिल सकेगा, जबकि अन्य अवकाश कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28,000 से ज्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पुलिस नजर रखे हुए है। टीकमगढ़ में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र उड़ान में ई लाइब्रेरी के बाद अब कंप्यूटर का बेसिक प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के लिए 2 बैच चलाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे दिव्यांग बच्चों को उड़ान केंद्र लाएं और यहां पर चल रही शैक्षणिक और मानसिक विकास की गतिविधियों का लाभ दिलाएं। गौवंश की रक्षा के लिए जिले भर में 20 स्थानों पर गौशाला बनाने का काम चल रहा है। इनमें 2 स्थानों पर काम पूरा हो गया है, जहां पर गौवंश संरक्षण का काम शुरू हो गया है। जिले में 50% अनुसूचित जाति वाले 19 गांव को आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत चयनित गांव की पंचायत को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिले में विकास के द्वार खोलने के लिए अब औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पृथ्वीपुर विकासखंड के ग्राम जेर को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये टीकमगढ़ और नवगठित निवाड़ी जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगा। यहाँ प्रशासन ने 240 एकड़ जमीन चिन्हित की है। इसे खाद्य प्रसंस्करण हब बनाया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र ने इस जमीन का प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेज दिया है। अनुकूल मौसम होने से इस साल जिले में रबी फसलों का रकबा बढ़ा है। बीते वर्ष रबी बोनी का रकबा 1,99,000 हेक्टेयर था, जबकि इस साल अच्छी बारिश के कारण 2,29,000 हेक्टेयर पर रबी की बोनी की गई। कृषि रकबे में 30,000 हेक्टेयर वृद्धि दर्ज की गई है। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए करीब 46,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए 56 केंद्र बनाए गए हैं। जिला और जनपद पंचायतों के चुनाव के लिए जिले में आरक्षण प्रक्रिया 2 मार्च को पूरी कर ली गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।